हरे कृष्णा। तो आजकल एक कंट्रोवर्सी वाला जो टॉपिक है वो हर हर कोई इसके बारे में जानता है। अमोघ लीला प्रभु जी इस्कॉन द्वारका के एक बहुत ही अच्छे प्रभु जी हैं, स्पीकर है, प्रवक्ता है, ठीक है। तो उनका जो चल रहा है ना स्वामी विवेकानंद के ऊपर, बहुत से लोगों को उनकी बात का बुरा लगा। हाँ ऑब्वियसली लगा, क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा प्रभु जी का बोलने का तरीका थोड़ा सा वो हाइप हो जाते हैं, लेकिन क्या सही में उन्होंने कुछ गलत बोला है? अगर बारीकी से देखा जाए ना तो उन्होंने गलत तो नहीं बोला है। हाँ मानते हैं स्वामी विवेकानंद जी एक आइडल है हर एक युवा वर्ग के लिए, हर एक इंडियन के लिए वो आइडल है, क्योंकि उन्होंने समाज सुधारणा का काम किया था। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर लोगों के दिमाग में एक जागरूकता लाई थी। लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि वो नॉनवेज खाने को उचित मानते थे, ठीक है। अब आप ही समझाइए, अगर आप हिंदू धर्म में हैं, अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, अगर आप चैंटिंग करते हैं, तो क्या आप मांसाहार करना खाना पसंद करेंगे? क्या वो योग्य है? क्या इससे हमारा हमें अपराध नहीं लगेगा? अगर आप ये मानते हैं तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप समझ पाएगी कि क्या बात है।